फाइनली एक हो चुका है रेडी, अब ब्रिज है वो बन चुका है, अब इसकी नेता स्टेबिलिटी चेक कर देगा। हम लोगों ने आइजल के लिए बड़ा गिफ्ट लिया, इधर मिसबा पैकिंग कर रही हो गिफ्ट का। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सभी का नियान की नवजगबरी छठी सी दुनिया में। यस बेबी, तो गाइस आज वो दिन आ चुका है जो हम लोगों ने आप लोगों को बोले थे कि हम लोग करने वाले हैं डेकोरेशन आइजल के लिए। तो गाइस अभी हम लोग चालू करने वाले हैं डेकोरेशन। आप लोगों ने पब्लिक डिमांड बहुत किए थे कि प्लीज डेकोरेशन स्टार्ट से दिखाओ कि कैसा किए आप लोगों ने। मैंने जो किया था निदा उससे अच्छा करेगी, हमको उम्मीद यही चीज की है। तो देखो नहीं, एफर्ट्स मैटर करते, मैं हमेशा बोलता हूँ, देखो एफर्ट्स मैटर करते हैं। तो भाई सभी किसी से अच्छा किसी से बुरा नहीं होना चाहिए, सही बात है, बस एफर्ट्स लगाना चाहिए और अपने दिल से करोगे तो सामने वाले को अच्छा लगना ही। यस, तो गाइस चलो बैठ के देखते हैं क्या क्या सामान है हमारे पास और क्या क्या चीजों की जरूरत लग सकती है, निदा मैडम देखेगी। तो गाइस ये वही सामान है जो निदा के लिए मैंने किया था डेकोरेशन, तो उसी को हम लोग रियूज करेंगे क्योंकि हमने बहुत सारे लिए थे होलसेल में, बहुत सारे बच गए। देखो अपने पास डब्बे है, बहुत सारे डब्बे तो बहुत सारे, मत लो, बस मुझे देखने दो, सबको साइड में रखो, वेरी गुड वेरी गुड, सब बाहर निकाल दो, मुझे देखने कि इसमें क्या क्या कमी है, फिर अपन जाके लेकर आएंगे। वाह इतने क्यूट क्यूट है यार ये सब ट्रेज एंड ऑल। इसका टायर टूट गया, हाँ अभी तुमको सुतार बनना पड़ेगा। नहीं बनेगा, ये पुट्ठे का ये। अल्लो और क्या क्या है, निकालो निकालो, इसके अंदर हैंडल है पर इसमें नहीं, अपने बहुत बड़े बड़े कपड़े, अरे हाँ इसमें है ना हैंडल, छोटे छोटे डब्बे है, ओके चॉकलेट रखने के लिए, तो अपने को चॉकलेट खरीदना पड़ेगा। और अपने को टेप है, क्या चाहिए, डबल टेप है, हाँ वो सब देख लेते हैं। मेरे पास पिंक कलर की रिबिन है, बस और कुछ नहीं। तो अपने को बेज कलर में कुछ लेना पड़ेगा, बिकॉज अपने बेज कलर का भी है थीम, फेविकॉल भी है, ओके और कुछ नहीं, अभी तुमको क्या लेना है सब बता दो मेरे को, ठीक है डन। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं सामान लेने के लिए, बट मैंने सुफियान को बोली कि पार्क करने से पहले मुझे देख के आने दो कि वहाँ पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो भाई भाई हाँ जल्दी उतरो। तो गाइस जो हम लोगों को चाहिए था वो हम लोगों को मिल गया, यहाँ पर है वो, ये लकड़ियाँ जो कि हम लोग ऊपर चिपका सकते हैं, मैंने कहा खिल्ले भी ले लो। तो गाइस थोड़ा वो सामान लेके हम लोग आ गए हैं, लाखी सामान लेने, टेडी बेयर लेना है हम लोग यहाँ पर, नहीं ये था मैं बोलता, ये लड़की ले लो अच्छी लग रही पिंक कलर की, नहीं था अनफॉर्चुनेटली गाइस हमें नहीं मिला टेडी बेयर जो हमें चाहिए था, तो अभी जो सामान अपने पास है उसी से अपने काम चलाना पड़ेगा। तो चलो फटाफट घर चलते हैं और इसका डेकोरेशन चालू करते हैं। सही बात है। तो गाइस चलो शुरू करते हैं हमारा खेल, मौत का खेल जो हम खेलने वाले हैं। सबसे पहले दिखाना चाहूंगी कि मैंने बहुत ही क्यूट सामान लेकर आई जब जब तुम कार लेने गए थे, तो ये है वो फ्रूट टूथर, इसके अंदर कोई भी फ्रूट डाल देगा, टूथर टूथर लेके आ, इसमें फ्रूट डालने का और बेबी लोग को दे देने का, लोग चबाते रहते हैं और फ्रूट का जूस निकलता है इससे, अक्का डालने का जूस। तो तुम भी ये पिया करो ना, रोज खाए को मैं से जूस बनवा दूं। तूतर तूतर तर तू ली हूं बेबी के लिए। ओहो कैप है क्या ये? हाँ नहाने के लिए शावर कैप। अरे वाह मस्त है यार ये तो। पिना ए, मैं कितनी अच्छी अच्छी चीजें लेके आती हूँ, जबरदस्ती का मेरे को चिल्ला रहे थे आज की आई नहीं आई नहीं आई नहीं आई नहीं। और गाइस हम लोगों ने इतना सारा सामान लिया हम लोगों ने, ओहो अच्छा ऐसा है, और पानी जाएगा तो यहाँ से जाएगा उसके मुंह पे, नहीं जाएगा पानी, इसको आएगा बराबर, इधर नहीं आएगा तुम्हारे मुंडे पे, नहीं अरसलाम में आएगा, फ्लैट सरफेस है ना। May God bless you. चलो गाइस अंदर सब सामान लेके आते हैं और डेकोरेशन का काम चालू करते हैं क्योंकि बहुत लेट हो गया है एक्चुअली। निदा सबसे पहले करेंगे यहाँ पर अनबॉक्सिंग, जो पहले का बॉक्स हुआ था। अरे ओ कुंफू पांडा बराबर करो ना जरा। हाँ अरे यार गाइस सबसे पहले सब तोड़म ताड़ी मचाएंगे और फिर करेंगे। सबसे पहले मैं तो हमने डिसाइड किया कि इसके अंदर हम लोग रखेंगे इसका ये जो एक बाहर घूमने वाला है घर में घूमने वाला, तो डालेंगे उसको और फिर इसको डेकोरेट करेंगे, क्या बोलते हैं दुनिया में? गाइस दुनिया में ना दो तरीके के लोग होते हैं, एक काम बिगाड़ने वाले और एक जो दिखावे के लिए काम करने वाले, और तीन तरीके के, और ये एक्चुअल काम करने वाले। बेचारा इतना कर रहा है वो, हाँ मोए मोरे मोए मोरे, सबसे इजी काम कर रहा हूँ भाई काटने का, तो तुम्हारे साथ हो चुका है मोए मोरे मोए मोरे। तो गाइस माशाल्लाह पहला हैम्पर हमारा रेडी हो चुका है, मतलब खाली सेट हो चुका है कि किसमें क्या रखना है, अभी वही डिसाइड करें किसमें क्या रखना है, तो अभी इसको डेकोरेट करेंगे बाद में, पहले रख के दिखा रहे हम लोग कैसा लग रहा है, ठीक है? मस्त लग रहा है ना, एकदम हाँ, टोपे बाद दिख रहे हो तुम, मोए मोरे मोए मोरे क्या को निकालो, निकालो और नीचे वाले को पहले स्टेबल करो, बड़ा वाला चाहिए, कौन बड़ा चाहिए? अच्छा नीचे वाला नहीं निकाले ना, निकालो निकालो, वेरी नाइस वेरी नाइस, एक लकड़ी नहीं निकल पा रही, निकाल पा रहे हो यार, निकल गए इसको, रहने दो उससे घेर बदलेंगे अपन। अरे यार एक काम करते हैं, नीचे टायर लगाते हैं, आइजल को बिठाते हैं अंदर। अरे हाँ भाएंगे। कारपेंटर इन द हाउस, ओह माय गॉड भाई इतनी मेहनत तुम्हारे इंजीनियरिंग में, नहीं इंजीनियरिंग में।
वो तो निधा के लिए तुमको करना ही पड़ता है, मतलब करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ता है बोलता निधा देखे। तो गाइस अनफॉर्चुनेटली ये जो खिल्ले हैं हमारे पास, क्या हुआ क्या हुआ तो काय को तुम उसके अंदर उंगली कर रहे हो? लेकिन गाइस अभी यहाँ पे मैंने चार पांच खड्डे किया, खिल्ले मारा, लेकिन ये खिल्ले छोटे पड़े जो नहीं लग रहे। तो अभी निधा ने आइडिया दी, निधा ने बोली कि इसको अपन यहाँ से चिपका देंगे और चिपका के इसको इतना बड़ा अपन, अरे यार तुम लोग क्या कर रहे हो, ये हाथ से कर रही है वो। अरे क्यों निधा, तुम्हारी जबान थोड़ी है जो तुम हाथ से कर रहे हो, जबान से करो, वो लंबी है ज्यादा और धार वाली। निधा ने एक सेट बना दिए गाइस थोड़ा सा, अब यहाँ पर भी हम लोग सेम चीज करने वाले हैं और यहाँ पर भी सेम खेले जा रहे हैं। मैंने पैर खड़ा कर दी हूँ, देखो ना अबे अच्छी शक्ल की, थैंक्स, उसके लिए गाली हो। ओ माय नेस हेता, टॉमी छू बोलो टॉमी को, देखो गाइस ये इसकी एक्चुअल शक्ल। तो गाइस देखो निधा किस तरीके से मेहनत कर रही है उसको स्टेबल रखने के लिए। ये सब गाइस फॉरेन कंट्रीज में होता है, हो रहा है हूबहू यहाँ पर इंडिया में। अगले साल 11वीं शरीफ में बैंड तेरा बैंड बजा दूंगा यहीं पर, ये भी चुप हो जाओ जरा, इस्लाम दूंगा बहुत ज्यादा फूल हो जाओ। नहीं तो चलो निधा बहुत भूख लग रही, खाना भी आ गया, अब मेरे से खाने बिना बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बहुत मेहनत हो गई गाइस आज के लिए, बहुत ज्यादा मेहनत हो गई है। ये देखो गाइस ये टेलर और मास्टर क्या पता नहीं क्या कुर्ता सिल रहे, सलवार कमीज सिल रहे, समझ ही नहीं आ रहा है, अरे इसको आता नहीं है बराबर। ये लग चुका है ठीक है, निधा ने इसको यहाँ से चिपका के ऐसा ऊपर लिए, ऊपर से फिर नीचे लिया, व्हाइट का लगा रहे हो पीछे, उसके पीछे पूरा कवर। Yes guys, फाइनली एक हो चुका है रेडी, अभी तो इसमें खाली लगाएंगे फेरी लाइट्स ना अपन, फेरी लाइट्स तो लुक आता है बेटा, अंधेरा थोड़ी ना रहेगा हॉल, अरे तो हॉल में नहीं अपन देंगे तो उसको अलग से ना, हॉल में थोड़ी देंगे उसको अपन, और थोड़ा हल्का मुल्का डेकोरेशन करने के लिए आरती ने आइडिया दिए डालने के लिए, और निधा ने फट से रिजेक्ट कर दी, बोले चल निकल। तो गाइस निधा ने कुछ चेंजेस करी है इसके अंदर, बताओ निधा। वाओ सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। निधा ने वहां पर रेडी करी तो हम लोग सोचे कि हम लोग भी कुछ हाथ बटाते हैं फटाफट, तो यहाँ पर अरसलान भाई और मैंने, अरसलान भाई ने कुछ नहीं, अरे भाई क्या पेंडुलम बना रहे हो, क्या कर रहे हो तुम, ये फ्रिज बना रहे हो क्या, आइसल थोड़ी चल के जाएगी ऊपर से। अरे भाई ऐसा भी कर सकते हैं, देखो निधा क्या दिख रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ठीक है। बट अभी यहाँ पर गाइस मैं बता दूं आप लोगों, हम लोगों ने इसको हॉट ग्लू गन से चिपकाया है इसको भी और उसको भी, और हॉट ग्लू गन बहुत काम की चीज है यार, साला मैं उसको हल्के में लेता था, लेकिन हल्का नहीं है मतलब जलन होती है, चिपक जाता उंगली पर, लेकिन काम भी अच्छा करता है, जैसे कि हम लोगों ने इसको चिपकाया भी ये भी हिलेगा नहीं। अब ये भी हम लोग इसके ऊपर यहाँ पे लगाएंगे ताकि ये भी ऊंचा हो जाए, तो जो कपड़े हैंगर वाले अरसलान भाई वो हैंगर में लटक सके यहाँ पर, समझे, तो अच्छे लगेंगे, वरना फोल्ड ना दिख के नहीं आते। हाँ बराबर, नीचे बांधो, पहले बांधो उसको, पहले एक नॉट तो बांधो। तो गाइज इसको हम लोग अभी रस्सी से चिपका रहे हैं क्योंकि हमको भाग ना जाए। गाइज ये फाइनल हो गया है इसका रेडी, नीचे भी मैंने क्यूट क्यूट लगाई हूँ दो तो पत्तियाँ। तो गाइज हम लोगों ने इसको डेकोरेशन कर दी है, इसको फिक्स कर दिए, अब बहुत ही मेन टास्क है इसको इसके ऊपर बिठाना है एग्जैक्ट शेप में एकदम, पर एक बार ये हॉट ग्लू गन लग गया इसके ऊपर तो चिपकेगा नहीं, ठीक है अरसलान भाई तुम हॉट ग्लू गन लगाओ, मैं चिपका दूँ, तुम हॉट ग्लू गन, मैं चिपका दूँ, कन्फर्म? नहीं 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 अरसु देखो तो ना यार, अकेले सब कर रही मैं, हो गया फाइनली हमारा जो ये ब्रिज है वो बन चुका है। अब इसकी निधा स्टेबिलिटी चेक करते, क्या बोलते हैं कपड़ा लटका के देखते हैं, कपड़ा लटकता है नहीं लटकता इस पे, चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने एक निधा ने दो तैयार कर दी, जितने मैंने एक तैयार किया हूँ माशाल्लाह, अभी यहाँ पे निधा ने वो मस्लिन के सारे वो रख दिए, अब इसके बम में क्या घुसा निधा तू, इसके बम में हम घुसा रहे हैं हॉट ग्लू गन। ओहो टेडी को झूले पे नहीं बिठा रहे हो? नहीं दूसरा टेडी बिछाएंगे, दूसरा झूला ले, दूसरा झूला ले, दूसरा टेडी लेंगे, ठीक है गाइस माशाल्लाह निधा ये मस्त मजबूत बनाया, सबके सब कपड़े हैंग हो गए इसके ऊपर, कपड़ा कहाँ गया, इतने ही तो थे, तुम्हारे पीछे चोर, ये अंडा नहीं फिराक में दिया निधा, बोले मैं खुद पहनूंगी घर जाके, बोले समझो तुम। हमारे दो प्रोजेक्ट मैनेजर जा रहे हैं, सो गाइस सी यू सून, विल मीट टुमारो, ओके बाय, अभी बहुत हो गया निधा का, निधा उठ जाओ, चलो तुम्हारी कमर में तकलीफ हो जाएगी, नहीं तो उठो रिक्लाइनर पे बैठ जाओ, बहुत मेहनत कर ली तुम आज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आर यू फाइन, सीधी करो कमर, तो अंदर जाके लेट जाओ, चलो हमारी बेगम साहिबा के लिए रिक्लाइनर शुरू किया जाए, अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ।
अच्छा लग रहा है। चलो अब बोलो क्या करना है, मैं करूंगा सब। वो मुझे इधर दे दो, मैं इधर रख के। नहीं नहीं तुम मत करो अभी, मैं करूंगा। नहीं मैं करूंगा अभी, मैं करूंगा। क्या करना हो गया ना, मैंने भी चिपका दिया ओवर पूरा। मेरे को रेस्ट कराने के चक्कर में खुद भी मस्त रेस्ट करो। उठो चलो, वहाँ पे कपड़े बहुत ज्यादा दिख रहे हैं उसके अंदर। वो जो छोटे छोटे है ना, वो मैं सोचू इसके अंदर डाल देते अपन। इसके अंदर ना? हाँ अभी वही सोच रहा था कब से, तुमको बोलने का डर लग रहा था। मैं कुछ बोल रही थी। अरे 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 वो डरते तुम भी। हाँ जो छोटे वो अपने बच्चा है वो तो कितनी मेहनत करेंगे। आगे का बाथरूम भी लगा दो उसमें। हाँ अब इसमें झूला लगा सकते हैं अपन। हाँ इसमें झूला भी लग जाएगा, नहीं तो ये तीन इधर आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे झूला मस्त लगेगा इसको ना, ये देख यही अच्छा लग रहा है सुफियान को, यही दिखना चाहिए ऐसा। तो गाइस बहुत ज्यादा रेस्ट हो चुका है और हम लोग आ चुके हैं काम पे। और ज्यादा? हाँ तो ज्यादा रेस्ट के 10 मिनट, 10 मिनट रेस्ट के 10 मिनट। हमारे दो प्लेयर गए तो हमारी एक प्लेयर आ चुकी है मिसबा यहाँ पर हेल्प करने के लिए। गाइस हमारा घर कभी सुना नहीं रहता, माशाल्लाह हमारे दोस्तों की बरकत है हमारे यहाँ पर। लेकिन मिसबा घर पे ये बरकत है, मिसबा कभी हम लोग यहाँ बैठते कभी वहाँ बैठते, आधी बरकत यहाँ रखते आधी बरकत वहाँ रखते, हम लोग बंटवारा करते रहते। मिसबा तुमने क्या दिगड़म बिठा, तुम क्या करने वाले हो? नहीं शूज के लिए मैं सोचो झूला बनाने का, पूरा झूला ही बना, झूला बनाएंगे। झूले का रस्सी ले, हमने ये रस्सी देखो, ये रस्सी से लटका के झूला बना के एक शूज एक पे, एक शूज एक पे। इस पे ये डब्बे पे भी कर सकते हैं अपन, क्या ये डब्बे पे कर सकते हैं। हमने वो कार्डबोर्ड चाहिए रहेगा झूले के लिए, तो बना लेंगे ना कार्डबोर्ड। उतना कुछ होगा घर में अपने, क्या बोलते हैं? कर सकते है ना, गोल्डन गोल्डन डब्बे का, एक गोल्डन डब्बे ऐसे गिफ्ट रखने के लिए, एक गोल्डन एक पिंक। ये डब्बों में रख दो ना ब्रो। क्या कुछ चाहिए था? डब्बा। हाँ डब्बे है ना, एक एक से एक डब्बे अपने पास। तो गाइस तुम्हारे भाई ने कार्डबोर्ड की झोल कर चुका है, अब इसके ऊपर काट के हम लोग लटकाएंगे झूला। इसके अंदर हम लोग अभी फिलहाल ये बाथरूम और छोटे मोटे सामान और ये वाला सामान रख रहे हैं और सब पे वो लगा के। ओ सुतार बन गई मिस बात एकदम। अरे ब्रो ये टूटा। अरे यार तोड़ दी इसने, पैसा दे भाई मेरा, पैसा दे। बहुत हो गया, पैसा दो भाई मेरा। तो इसको कौन बिठा है यहाँ पर? थोड़ा तारी बचा दिया। देखो निदा ने क्या दिमाग चलाई है यहाँ पर, वो हैंगर छोटा था, निदा ने एक्स्ट्रा डंडी लगाई ताकि हैंगर बड़ा लगे। ये देखो कैसा है, मस्त एकदम, ऐसा लग रहा है वो स्क्वायर को खड़ा हुआ यहाँ पर। तो गाइस हम लोगों ने आप लोगों को कहा था कि हम लोगों ने आइजल के लिए बड़ा गिफ्ट लिए, बहुत बड़ा गिफ्ट लिए गाइस। तो वो गिफ्ट अभी यहाँ पर रेडी हो रहा है, इधर मिसबा पैकिंग कर रही हो गिफ्ट का और निदा यहाँ पर बना रही है झूला। झूला बना रहे हो, क्या बना रहे हो? झूला नहीं इसकी टोपी। अच्छा हाँ जहाँ पे टोपी लटकाने वाला वो बना रहे हो, ठीक हाँ। है निदा ने मस्त ये वाला रेडी कर दी है। गिर रहा गिर रहा गिर रहा गिर रहा गिर रहा यार, तो पकड़ रहे हो थोड़ी देर। यहाँ पे मिसबा ने बहुत ही गंदा खराब किए उसको छुपाने के लिए यहाँ पर अभी बोलती कपड़ा बांध के वो बना देती हूँ। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, निदा कर देगी। चलो छोड़, बिगाड़ने का काम अपना है, सुधारने का काम उसका है। वाओ गाइस निदा ने इम्प्रोवाइजेशन कर दी है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको खूबसूरत बना दी है एकदम मेरी तरह। कैसी जीभ लप लप आई। गाइस जो जो हो चुका है वो सुफियान अंदर जाके रख रहे हैं, जल्दी जाइए। दो तीन चीजें हो चुकी है प्रॉपरली, दो वो हो गए जिसमें बच्ची का जो पहनने के लिए वो है जिसमें जो उसको उठाते वो, और दूसरा क्या बनाया था तुमने? वो मसलीन वाला ना रैप करने वाला भी हो गया है गाइस। अभी ये प्रिपेयर करेंगे और वो भी प्रिपेयर हो चुका है। तो गाइस बाकी का जो डेकोरेशन आपको देखने मिला कल के व्लॉग में, ठीक है गाइस। तो चलो इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, और आपके व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। लव यू, अल्लाह हाफिज।